बच्चों, आज हम आपको सावन पर 10 वाक्य बताने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लाइन, इस महीने में श्रवण नक्षत्र वाली पूर्णिमा आती है। इसलिए इसे श्रावण महीना कहते हैं। खड़ी पाई। दूसरा लाइन, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह जुलाई से अगस्त में आता है। खड़ी पाई। तीसरा लाइन, हिंदू धर्म के अनुसार सावन कौमा भगवान शिव को समर्पित पवित्र महीना होता है। खड़ी पाई। चौथा लाइन,
इस महीने में हिंदू लोग उपवास रखते हैं। और भगवान की भक्ति करते हैं। खड़ी पाई पांचवा लाइन सावन महीने के सोमवार और शिवरात्रि का बहुत महत्व होता है। खड़ी पाई छठवां लाइन सावन के महीने में कई महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार पढ़ते हैं। खड़ी पाई सातवां लाइन प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा भी सावन के महीने में ही किया जाता है। खड़ी पाई आठवां लाइन कई
विशिष्ट, स्थानों पर सावन के महीने में मेला का आयोजन किया जाता है। खड़ी पाई नौवा लाइन सावन के महीने में खूब बारिश होती है। इसलिए ये महीना किसानों को भी प्रिय होता है। खड़ी पाए दसवां लाइन सावन के महीने में हर तरफ हरियाली छा जाती है। और मौसम खुश मिजाज हो जाता है। खड़ी पाए धन्यवाद। प्यारे बच्चों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अपने सुझाव फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बता दीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के अपलोड्स आपको पता चलती रहें। बाय बाय।